हेलो BTC सेकेंड सेमेस्टर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज जो है हम बात करते हैं स्टोरी आपकी। जो लास्ट टाइम मैंने स्टोरी कराई थी तो उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन कराऊंगी और एक सैम्पल स्टोरी आज मैं लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक्चुअली क्या है कि हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाई जा सकती है, या हिस्टोरिकल चीज़ों इवेंट्स के वजह से हम बच्चों में बहुत इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री रही है उसे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसमें इमेजिनेशन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जो हैं इस विधि को कहानी स्टोरी के विधि से पढ़ने से सबसे अच्छे से समझ जाते हैं। और कहानी विधि जो है, स्टोरी टेलिंग मेथड, इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो आप अगर बच्चे को कुछ जैसे क्लास में करने के लिए कुछ नहीं, आपने कोर्स करा दिया है या आपका अब नया चैप्टर बिगिन होने वाला है, कोई गैप है या फ्री पीरियड है आपको मिला है, तो आप उसमें स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बच्चे इंटरेस्ट लेके उस स्टोरी को स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं, मज़े लेके, जब एंटरटेन एज एंटरटेनमेंट जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें वो चीज़ समझ में भी आती है और लर्न भी रहती है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं कि स्टोरी को बोधगम्य बनाने के लिए हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना होता है, उसी से रिलेटेड प्रॉप्स बनाने होते हैं और वो प्रॉप्स जो है हमें उसे यूज़ करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से, एट द टाइम जब उसकी ज़रूरत है। और उस प्रॉप्स का यूज़ करते समय हमें उनको लाइवली बनाना होता है। जैसे कि अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो प्लेटो ने भी इसको, प्लेटो और रूसो ने इसको सबसे उत्तम विधि, आनंदमयी विधि बताया है बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाने सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों में इमेजिनेशन यानी कल्पना आ जाती है। 13 वर्ष तक की अवस्था के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए सबसे अच्छा मेथड इन्होंने स्टोरी ही बताया है। तो स्टोरी हमें ऐसी लेनी चाहिए जिसके पीछे कुछ मॉरल टीचिंग हो, ठीक है, जिसमें कि बच्चों को कुछ प्रोत्साहन मिले, कुछ संवेदनाएं हो, ठीक है, संवेदनों को गतिशील बनाती है ये। तो ये तीन जो है महान विचारकों के अनुसार उनके विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे, इनमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले टाइम में जो लेडीज़ पढ़ाती थी तो वो कौरवों पांडवों की कहानियों के तौर पे पढ़ाती थी। तो कौरवों पांडवों हैं और रामायण की कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, ठीक है, जातक कथाएं नहीं, महात्मा बुद्ध के समय की कथाएं हैं। तो ये पौराणिक कथाओं के और ये आपकी पंचतंत्र की कहानियां हैं, इनसे जो है कुछ मॉरल स्टोरीज बच्चों को समझ में आती हैं, इस वजह से ये हम पढ़ाते हैं। कहानी जो है बहुत प्रकार की हो सकती है। कहानियाँ मेनली तीन प्रकार की होती है, रियल स्टोरी यानी सत्य घटना पर आधारित, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, जातक कथाएं हैं, और अलादीन की, नहीं अलादीन तो नहीं है, और भी है इंडियन हिस्ट्री में या फिर बाहर की हिस्ट्री में भी बहुत सारी रियल स्टोरीज हैं। तो उन तथ्यों के आधार पे, लेकिन हमें सच में जो घटनाएं हुई हैं बच्चों को कभी कभी करते रहना चाहिए, उनका चरित्र निर्माण करते रहना चाहिए। फिर आते हैं काल्पनिक कहानियाँ। काल्पनिक कहानियाँ जैसे अलादीन की स्टोरीज हैं और आपकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, रैबिट एंड द गीज वाली, ठीक है। फिर आते हैं पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं में माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं जिन्हें, जो कि आंशिक रूप से सत्य होती हैं लेकिन पूर्णतया इनकी सत्यता जो है वो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां हैं, जैसे कि आपकी बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं, इसमें महाभारत की कथाएँ आ जाती हैं जो कि मतलब इट्स नॉट प्रमाणित नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्हें पौराणिक कथाएँ कहते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो ये होती हैं कि कहानी किस प्रकार की है, बच्चों के दिमागी विकास की है या नहीं है, बच्चों के उनकी अवस्था क्या है, उनकी बाल्यावस्था क्या है, उनकी उम्र, उनका मानसिक स्तर और उनकी योग्यता के अनुसार ही कहानियों का चयन करना पड़ता है। और पहले आपको कहानी ज़रूर पढ़ लेनी होती है, आपको पता होनी चाहिए आगे कौन सा इवेंट होने वाला है। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोर्ड पर लिख कर उसको पॉइंट वाइज में तोड़कर आप उसे समझा सकते हैं। मैंने आपको कहानियों के चार जो है वो वर्गीकरण बताया था, है ना, कि कैरेक्टर होना चाहिए, एक पात्र होता है,
और पात्र के बाद उसमें मैंने बताया था आपको कि बहुत सा जो कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, फिर उसका कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। एक कोई समस्या होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग क्या है कि कोई भी इवेंट को शब्दों में बताना, साउंड से, इमेज की सहायता से और इम्प्रूव करके बताना ही स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। और ये सब शिक्षण की सबसे पुरानी विधियों में से है। अब आते हैं, ये वाली स्टोरी थोड़ी सी टफ है। हाँ, स्टोरी के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या वो आपको, आप बच्चे में क्या क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भर सकते हैं वो ये देखिए। एंगर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, बेड टाइम के ऊपर, यानी छोटी छोटी स्टोरीज, कोऑपरेशन के ऊपर आप सिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी के ऊपर सिखा सकते हैं, आप बच्चों में आपस में बातचीत करना सिखा सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से आप बच्चों में क्या क्या गुण विकसित कर सकते हैं, आप बच्चों में करेज विकसित कर सकते हैं, यानी साहस, क्रिएटिविटी, है ना, क्रियाशीलता, क्रियात्मकता, डिलीजेंस, डाइंग एंड लॉस, एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी और एम्पैथी दो अलग शब्द होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो ये फिर फैमिली, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप के ऊपर, अच्छे मैनर्स के ऊपर, आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर, तो बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो आप इनमें बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे भी, इंडिपेंडेंस डे की बताइए, जेलसी कि आपने, अच्छा हाँ, आप स्टोरी उसके बीच में ऐसी स्टोरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ राइम्स हो, या उसके राइम्स के थ्रू भी कोई आप स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने जो स्टोरी लाई है, द ग्रेप्स वर सॉर, तो ये एक फॉक्स और उसके द्वारा पाए गए, ना पाए गए अंगूरों की कहानी है, आपको पता होगी। तो बहुत पहले जो था, एक लोमड़ी थी, बच्चों को बताएंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉक्स, और प्रॉप बना के ले जाएंगे, एक फॉक्स बना के या चार्ट बना के ले जाएंगे उसमें, ठीक है, वह मस्ती से चल रही है लेकिन ये भूखी है एक्चुअली। वंस अपॉन अ टाइम, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। वन डे ही वेंट फॉर अ वॉक, तो आप ऐसे नाटकीय प्रस्तुतिकरण करेंगे जिससे बच्चों को लगे कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक। वन डे ही वेंट फॉर अ वॉक, ही केम टू अ गार्डन, इन द गार्डन ही सॉ अ बंच ऑफ राइप, ठीक है, राइप ग्रेप्स, यहाँ पे ग्रेप्स जो है कट गया है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इन द गार्डन ही सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, ठीक है, उसे पके हुए अंगूर दिखे। उसके बाद में द फॉक्स वॉज वेरी हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट देम, बट दे वर हैंगिंग हाई। फॉक्स जो लोमड़ी थी वो बहुत ही भूखी थी और वो थोड़ा सा ऊँचे लटक रहे थे, और उसने जो है वो उसे खाना चाहती थी, लेकिन अच्छा आगे देखते हैं क्या हुआ। द फॉक्स जम्प्ड एंड जम्प्ड एंड जम्प्ड, तो आप थोड़ा सा जम्प करके दिखाएंगे, थोड़ा सा हॉप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बट ही कुडंट गेट द ग्रेप्स, तो आप जब हॉप करके दिखाएंगे तो आप ऊपर से तोड़ने का एक्शन करेंगे, तो हम लोग क्लास में करेंगे, अभी तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्लास में ऐसे जंप करके हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ही जंप्ड एंड जंप्ड एंड ट्राइड, ठीक है, ही कुड नॉट, बट ही कुड नॉट गेट द ग्रेप्स। देन द फॉक्स वॉज टायर्ड, देन द फॉक्स गॉट टायर्ड, तो देन द फॉक्स गॉट टायर्ड, ऐसे एक्शन करके बच्चों को, देन द फॉक्स गॉट टायर्ड, यानी थक गई थी। आई एम श्योर दोस ग्रेप्स आर सोर, फिर उसने सोचा, क्योंकि जब वो थक गई, उसने उसे पता चल गया कि वो ग्रेप्स नहीं ले पाएगी, वो ग्रेप्स को नहीं पहुंच पाएगी, कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, तो उसने क्या कहा, मुझे पता था ये खट्टे हैं, ठीक है, सेड द फॉक्स। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, फिर इस बच्चों से पूछेंगे व्हाट सेड द फॉक्स, व्हाट सेड द फॉक्स, फिर बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे और फिर आपको बताएंगे हाउ डू यू लाइक द स्टोरी, तो बच्चे कहेंगे वेरी नाइस मैम, भले ही आपसे डर के कह दें लेकिन बच्चे दे विल इंजॉय। दूसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट यू विल टेल देम, इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कैन नॉट गेट, उसे छोड़ देना, जो आपको नहीं प्राप्त हुआ उसको हटा देना जो है बहुत आसान होता है, तो
बट नेचुरल सी चीज़ है, उसने वो चीज़ छोड़ दी जो उसे पता था कि उसे प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, और यही जो है स्टोरी को प्रैक्टिस करिएगा, पेपर पे लिख दीजिएगा, ऐसे कई स्टोरीज़ आपको बनानी है, ये आपका असाइनमेंट पार्ट भी है। तो एक फेयर कॉपी में मैं आपको बताऊंगी कहाँ लिखनी है, पहले आप स्टोरी सिलेक्ट करिए जो आपको याद हो सकें, और सिंपल सी शॉर्ट सी कम से कम 2 स्टोरीज़ आप सिलेक्ट करिए, और जब कॉलेज खुलेगा तो मैं आपसे पूछूंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ के आपके पास बहुत टाइम है तो आप प्लेंटी ऑफ टाइम को यूज़ करिए, उसके साथ के प्रॉप्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पे फॉक्स है, फॉक्स की स्टोरी थी तो एक फॉक्स का चार्ट बना लीजिए, फॉक्स और ग्रेप्स है, गार्डन है तो इसका चार्ट बना लीजिए, कोई सिंड्रेला की स्टोरी है तो छोटे छोटे बॉने बना लिए और सिंड्रेला बना ली। इस तरीके से 2 स्टोरी आप सिलेक्ट करके रखिए, और नहीं भी कर पाएंगे तो मैं दूसरी स्टोरी कराऊंगी पिक्चर्स के साथ, उसको देख के कैमरा पॉज करके आपने TLM अच्छी से बनानी है। ठीक है, जस्ट मेक इट एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल डू दिस, चेक दिस, है ना। तो प्लीज़ स्टे connected and staying and enjoy. Thank you and bye bye.